हम लोग बचपन से ही ये देखते आ रहे हैं कि जैसे ही किसी लेडी को मूवी में ये बताना होता है कि वो प्रेग्नेंट है तो वो वॉमिटिंग करना शुरू कर देती है। तो इसका मतलब है कि वॉमिटिंग प्रेगनेंसी में इतना कॉमन है और इतना सिंबलाइज्ड है कि अगर वॉमिटिंग हो रही है तो ये इंडिकेट किया जाता है दैट वन इज़ प्रेग्नेंट। सो हेयर आई एम डॉक्टर कंचित मलिक एंड शैल बी टॉकिंग टुडे ऑन वॉमिटिंग्स इन प्रेगनेंसी। मैं आपको ये बताऊंगी कि वॉमिटिंग्स क्यों होती हैं और वॉमिटिंग की रेमेडी क्या है। वॉमिटिंग से बिल्कुल भी घबराना नहीं है। वॉमिटिंग्स प्रेगनेंसी में फर्स्ट ट्राइमेस्टर में होती हैं, मतलब कि फर्स्ट 3 मंथ्स में, क्योंकि उस समय पे HCG लेवल्स बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ रहे होते हैं। HCG एक हार्मोन होता है जो प्रेगनेंसी को सपोर्ट करता है। तो जब HCG के लेवल्स हाई होते हैं तो वॉमिटिंग या नौजिया या दिल घबराना, जी मिचलाना की प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो जाती हैं। तो ये एक बहुत नॉर्मल है। अगर HCG के लेवल्स हाई नहीं होंगे तो आपकी प्रेगनेंसी इसका मतलब सही नहीं चल रही है। तो ये एक गुड साइन है। अगर आपके HCG लेवल्स गुड हैं तो आपको वॉमिटिंग हो रही है, और वॉमिटिंग हो रही है तो HCG के लेवल्स नॉर्मल हैं। तो आप वॉमिटिंग से बिल्कुल परेशान ना हो, ये समझें दैट योर प्रेगनेंसी इज़ डूइंग वेल। कुछ केसेस में वॉमिटिंग्स बहुत ज़्यादा हो जाती हैं जिसमें HCG के लेवल्स बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं। उसमें अधिकतर ट्विन प्रेगनेंसी में ऐसा हो जाता है जिसमें HCG के लेवल्स डबल या ट्रिपल हो जाते हैं, तो वॉमिटिंग्स भी बहुत इंट्रैक्टेबल होने लगती हैं। या किसी पेशेंट में पहले से ही नॉन प्रेग्नेंट स्टेट से ही एसिड पेप्टिक डिसीज़ है या लिवर डिसीज़ है या गॉल ब्लैडर में स्टोन्स हैं, उनमें भी वॉमिटिंग्स की मात्रा बढ़ जाती है। तो आप अपने डॉक्टर को ये ज़रूर बताएं कि पहले से ही आपको कोई इस तरीके की डिसीज़ तो नहीं है, और अगर इस तरीके की डिज़ीज़ है तो आपको उस चीज़ का ट्रीटमेंट लेना है जिसकी आपकी वॉमिटिंग्स कंट्रोल में रहें। वॉमिटिंग के लिए कुछ रेमेडीज़ हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हैं जिससे कि आपको वॉमिटिंग्स काफ़ी हद तक कंट्रोल की जा सकती हैं। नौजिया अधिकतर फर्स्ट 3 मंथ्स में रहता है और फर्स्ट 3 मंथ्स के बाद ख़त्म हो जाता है या कम हो जाता है। कुछ लोगों में 9 मंथ्स तक ये नौजिया और वॉमिटिंग परसिस्ट करता है। क्योंकि HCG के लेवल्स सेकेंड ट्राइमेस्टर में प्लेट्यू हो जाते हैं इसलिए वॉमिटिंग्स भी कम हो जाती हैं। वॉमिटिंग के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप सुबह उठते ही कुछ पिए ना, वाटर, लेमन वाटर या टी, कॉफ़ी, बल्कि आप कुछ खाएँ जैसे फ्रूट्स या ड्राई फ्रूट्स। ये बेस्ट है कि आप अपने वॉमिटिंग को कंट्रोल करने के लिए उठते ही कुछ सॉलिड खाएं, ना कि लिक्विड। और अदरवाइज ऑल्सो थ्रू आउट योर डे यू कीप निबलिंग, सारा दिन कुछ कुछ खाते रहें। जैसे हम लोग 3 टाइम खाते हैं तो आप उसी खाने को डिवाइड करके 6 टाइम खाएं, जिससे कि छोटा छोटा खाना आप खाते रहें जो कि ईजिली डाइजेस्ट हो जाए। आप ये ना सोचें कि आप सॉलिड खाएंगे तो आपको वॉमिटिंग ज़्यादा होगी, क्योंकि सॉलिड कम थ्रो करेंगे और अगर वाटर ही पीते रहेंगे तो आपको ज़्यादा थ्रो करेंगे। तो सॉलिड पे ज़्यादा ध्यान दें और वाटर इन कंटेंट को आप कंट्रोल में रखें। इस तरीके से आप अगर अपनी डाइट पे कंट्रोल रखेंगे तो आपकी वॉमिटिंग्स काफ़ी हद तक कंट्रोल में रहती हैं। और आजकल कुछ ड्रग्स भी दी जाती हैं जिससे कि वॉमिटिंग बहुत अच्छे से कंट्रोल हो जाती हैं, और ये ड्रग्स प्रेगनेंसी में बिल्कुल सेफ हैं। कुछ ड्रग्स तो स्पेशली प्रेग्नेंट वुमेन के लिए ही हैं, और एंटासिड्स भी प्रेगनेंसी में वॉमिटिंग को काफ़ी हद तक कंट्रोल में करते हैं। सो व्हेनेवर यू हैव वॉमिटिंग्स यू शुड कंसल्ट योर डॉक्टर, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि आपको इतनी वॉमिटिंग हो जाती हैं कि आपकी बॉडी में कीटोन बॉडीज़ बढ़ जाती हैं, और ये कीटोन बॉडीज़ बहुत ज़्यादा सीरियस कंडीशन में हो जाती हैं और पेशेंट को हॉस्पिटलाइज करने की भी ज़रूरत पड़ जाती है। तो जितनी कीटोन बॉडीज़ बढ़ती हैं उतनी वॉमिटिंग और होती है, उतनी ही कीटोन बॉडी और बढ़ती हैं, और ये विशेष साइकिल चलता रहता है और पेशेंट कभी कभी अनकॉन्शियस तक हो जाते हैं। तो अगर आपको बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग हो रही है तो आपको तुरंत हॉस्पिटल में जाना है, और कभी कभी ऐसे में एडमिट होने की भी ज़रूरत पड़ जाती है। पर कोशिश करें कि ऐसी नौबत ना आए कि आपको हॉस्पिटलाइज होना पड़े। आप अपनी डाइट पे कंट्रोल रखिए, बाहर का कुछ ना खाएं, स्पाइसी, ऑयली और बहुत ज़्यादा तीखा ना खाएं, और छोटा छोटा खाना खाते रहें तो आपकी वॉमिटिंग्स बहुत हद तक कंट्रोल हो जाती हैं और आपकी प्रेगनेंसी भी बहुत अच्छे तक स्मूथली चलती रहती है। सो कंसल्ट योर डॉक्टर, ट्रस्ट योर डॉक्टर एंड एन्जॉय योर प्रेगनेंसी। थैंक यू वेरी मच।